रहे हैं सीएमएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। गोंडा जनपद में 25 तारीख को वादी अमरनाथ पुत्र पुती लाल ग्राम कुतुबपुर गोडियन पूर्वा करलेनगंज जनपद गोंडा के द्वारा थाना स्थानीय में 6 नामजद लोगों के विरुद्ध अपने छोटे भाई श्यामनाथ उर्फ चिंटू की हत्या कर शव को जलाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें थाना करलेनगंज पुलिस द्वारा घटना के गहनता से जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि वादी मुकदमा अमरनाथ निषाद द्वारा अपने भाई गुड्डूलाल उर्फ यदुनाथ व रामनाथ उर्फ ननकू के कहने पर 6 नामजद आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य संकलन से यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक श्यामनाथ उर्फ चिंटू की बीबी व बच्चे नहीं थे। मृतक का अपने भाइयों से हमेशा हिस्से की जमीन बांटने तथा बेचने की बात को लेकर विवाद हुआ करता था, जिससे तंग होकर मृतक के भाई गुड्डूलाल उर्फ यदुनाथ व रामनाथ उर्फ ननकू के द्वारा अपने ही भाई की हत्या की गई थी तथा रंजिश के चलते विपक्षी गणों के विरुद्ध गलत नामजदगी करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोडा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्र कर्नलगंज में दिनांक 21/12/2021 को एक व्यक्ति के हत्या कर शव जलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया। लिखित तहरीर के आधार पर 6 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गहनता से छानबीन कर पता चला कि भाइयों के आपसी विवाद को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था, इसलिए सगे भाइयों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।